मैंने सुना है मजदूर कभी थकता नहीं है। अगर आज भी वो नहीं थका है तो अपने साहब हाथ ऊंचा कर लीजिए और ताली बजा दीजिए कि हम नहीं थके हैं। लेकिन 3 साल में ये मोदी सरकार ने हमको थकाने की कोशिश किया है। मैं गुजरात से आता हूं, 1.5 महीने पहले से वहां पर एक आंदोलन चलता था। मैं उस आशा वर्कर बहनों को सलाम करता हूं जिन्होंने 37 दिन तक भूखे रह के बड़ौदा के अंदर मोदी जी के सामने आंदोलन करके उनको चुड़िया दी और उनकी मांगे मंगवाने की कोशिश की। गुजरात में मोदी जी ने एक बार कहा था जब जीत के आ गए, गुजराती में मणिनगर में ये बोला कि माँ पीरसनारी छे ने मामानू घर छे, यानी गुजरात को कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। मगर 3 साल में उसने क्या किया? नोटबंदी कर दी, सबसे ज्यादा नुकसान गुजरातियों को किया। GST लगा दी, सबसे ज्यादा नुकसान गुजरातियों को किया। मैं ये मजदूर के जो आंदोलन है उसको सलाम करते हुए एक चीज कहना चाहूंगा, गुजरात के अंदर अभी अभी पार्टी दौरों का आंदोलन हो रहा है, ठाकुर समाज का आंदोलन हो रहा है, दलितों का आंदोलन हो रहा है, राजपूत समाज एक हो रहा है। उसने सबको तकलीफ दिया है और सबसे ज्यादा तकलीफ हम मजदूरों को दिया है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब हाथ उठा के उसके विरोध में एक बार जिंदाबाद बोलो, मजदूर एकता। आज से 15 दिन पहले गुजरात के सभी ट्रेड यूनियन जो थे उन्होंने बड़ौदा के अंदर बहुत बड़ा मीटिंग किया था। वहां बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने एक चीज बताई कि ऐसी सरकार जो मजदूरों विरोधी है, गुजरात को सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो लोगों ने अभी तय कर लिया है कि गुजरात में आने वाले इलेक्शन में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। अब कब तक मजदूरों को दबाओगे? ये सब समाज तो 25-50-100 साल से है और हमारा मजदूर समाज जब से फैक्ट्री बनी है तब से है। सबसे सीनियर समाज हमारा मजदूर समाज है। इस समाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश मत करो। साहब आज सुबह मैंने 5 पेपर लिए, मैंने 5 न्यूज़पेपर पढ़े। हम 48 घंटे से यहां पर तकलीफ में है। हमारी आवाज के लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, मोदी के कान को सुनाने के लिए बोल रहे हैं, मगर आज मैंने वो 5 पेपर देखे, एक भी पेपर के अंदर हमारी एक हेडलाइन नहीं है। दोस्तों, ये कैसी सरकार है? जिसने उसको भेजा उसी को उसने गड्ढे में गाल दिया। गुजरात के सूरत के पूरे मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, और मैं आपको वादा करता हूं कि ये 9 तारीख को और 14 तारीख को गुजरात में इलेक्शन है, न मोदी रहेगा न अमित शाह रहेगा। साथियों, गुजरात के अंदर जो तकलीफ आज की तारीख में है उसकी आवाज भी यहां पर सुनाई देती है। वहां भी मजदूर है, यहां भी मजदूर है, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहां मजदूर आए हैं। हम आपको एक नारा देते हैं, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बोलिए, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निगम्मी है,
जो सरकार निकम्मी है, जो रोटी रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो रोजी रोटी न दे सके वो सरकार, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारत माता की जय। कीजिए अंदर आ जाइए सब लोग जो अभी आए हैं बैनर लेके, और पीछे भी जगह काफी है उसमें भी बैठ सकते हैं जाके अगर यहाँ जगह नहीं मिले तो। अभी भी जब थे आ रहे हैं, अभी ये एक जुलूस आया है, अभी खबर लगी है कि कुछ और जुलूस आ रहे हैं। शांति बनाए रखें। इस सेशन में एक आखिरी वक्ता रहे हैं उसके हो जाएंगे। आप नारे लगाइए, बहुत अच्छी बात है। जरा बैठ भी जाइए, बैठिए आराम से, आप खूब थक के आए हैं। तो हमें समर्थन, मैंने बताया किसान मोर्चा के साथियों ने भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे बीच में आए थे नेशनल लेबर यूनियन के लोग, मैंने आपको बोला, हमने उनको धन्यवाद दिया।